सालों की टेबलें तोड़ देंगे, इनका काला मुंह कर देंगे और मक्खन के सर पे फोड़ेंगे। मेरा नाम है असमत और हमें छोटी नागपनी गली नंबर 1 और हम 1 महीने से परेशान हैं। हम हर रोज़ पानी के लिए मांग कर रहे हैं, मैडम को फ़ोन करते हैं, टंकी पे जाते हैं, सबको बोलते हैं कि हमें पानी नहीं है, पानी दो, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। झूठा आश्वासन हमें देता है कि हाँ पानी दे, यार पानी नहीं है। और 1 महीने से हम रोजे रखे तो हम सुबह 4:30 बजे से 7 बजे तक हमारा पानी सब खाना पीना बंद। अरे तो नमाज के लिए वजू करने के लिए पानी कहाँ से लाए? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हमें झूठा आश्वासन देते हो और झूठा कहते हो कि हमने खोल दिया, मैडम आ गई। कब मैडम आई? कब पानी खोला? पानी दिया तो नहीं तुमने हमें? कहाँ दिया पानी? कौन से क्षेत्र का मामला है ये? छोटी नागपनी गली नंबर 1। जब आज हम परेशान हो गए प्रताप जी को लेकर यहाँ आए, अगर आज भी हमें सर ने आश्वासन दिया है कि 4 दिन में हम तुम्हारी समस्या दूर करेंगे, 4 दिन में हमारी समस्या दूर कर दी तो सही है, नहीं तो हम सर की टेबलें तोड़ देंगे, इनका काला मुंह कर देंगे और मटकन के सर पे फोड़ेंगे। अस्मत अजमेर में छोटी नागफनी और बाबूगढ़ नामक 2 जगह हैं, वहाँ घनी आबादी है। उस क्षेत्र के लिए कांग्रेस के शासन में 4 पानी की टंकियां बनवाई जिससे कि इन लोगों को पानी समय पर मिल सके। ये बात सही है कि बीसलपुर में पानी कम होने से पानी की समस्या है और 72 घंटे में पानी दिया जा रहा है, लेकिन 72 घंटे में अच्छी स्पीड से पानी मिलना चाहिए। उसके विपरीत यहाँ पर यह स्थिति है कि कई घरों में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। 10 दिन से अधिकारियों को समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है, इन्होंने मौका मुआयना भी कराया है, लेकिन उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हुआ। मजबूरन आज नागरिक अपने घर से निकले और यहाँ आकर भारी प्रदर्शन किया। आधे से ज़्यादा नागरिक वापस भी जा चुके हैं और अभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इन्हीं के साथ में अधिकारियों को मौके पर भेज रहे हैं और 4-5 दिन के अंदर पानी की समस्या का स्थायी हल कर दिया जाएगा। अगर पानी की समस्या का स्थायी हल नहीं हुआ तो बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया जाएगा और यहाँ मटके फोड़े जाएंगे और इससे अधिक भी अगर नागरिकों में रोष हुआ तो उससे बड़ी आंदोलन भी किया जाएगा। प्रताप सिंह यादव, उपाध्यक्ष अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी।